भारत माता की जय 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 जय। थैंक यू मास्टर रोहित, थैंक यू सो मच। Honorable Minister of Education, Government of India, Sri Ramesh Pokhriyal Nishanji, President of Bharatiya Pravasi Parishad, Sri Sumod, other office bearers and members of BPP Kuwait, distinguished members of the academic fraternity in Kuwait, the principals, teachers, esteemed guests, dear students, ladies and gentlemen, good evening to all of you. To begin with, I wish all of you a very happy and healthy New Year 2021. It is indeed an honor to join this important address by our Minister, Honorable Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal Nishanji. The address on this important topic, equitable and inclusive education, a milestone towards Atmanirbhar Bharat, is so relevant and important today, both within India and abroad. In CBSE स्कूलों के प्राचार्य और सभी अध्यापकगण, मैं भारत की धरती से आप सब लोगों को अभिवादन कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, और मुझे आज खुशी है कि ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में हमारी नई शिक्षा नीति आई है हिंदुस्तान की, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में
भारत में पूरा आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में जो नई शिक्षा नीति आई है, वो नई शिक्षा नीति बहुत बड़े बदलाव और सुधारों के साथ आई है और वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वक्त में ये नई शिक्षा नीति आ रही है, हिंदुस्तान एक नई अंगड़ाई ले रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होना चाहिए। कैसा भारत? जो सुंदर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो, जिस भारत को पूरी दुनिया उसी भारत के रूप में देखे जब भारत पूरी लीडरशिप देता था, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन भी देता था, मदद भी करता था। वो शक्तिशाली भारत की जरूरत है पूरी दुनिया के लिए। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति पर आज जो चर्चा आपने की है बहुत बेहतर तरीके से आए है। हमने इसमें मातृभाषा से शुरू किया है। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है हमने कहा अपनी मातृभाषा में, जितनी अपनी मातृभाषा में अच्छी अभिव्यक्ति दे सकता है कोई, वो दूसरी सीखी हुई भाषा में नहीं हो सकता है। इसलिए यूनेस्को लगातार इस बात पर दबाव देता रहा है। जब सतत विकास के लक्ष्यों की यूएन ने चर्चा की थी उस समय भी यूनेस्को ने शुरू से इस बात को कहा है कि नहीं, जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। और हमने प्रारंभिक मातृभाषा में ही शिक्षा की, हमने 10+2 को हटा दिया, 5+3+3+4 को नए परिवर्तनों के साथ हम लाए हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो 3 वर्ष का जो बच्चा है इसमें 3 से 6 वर्ष तक बहुत विलक्षण प्रतिभा होती है और उसका लगभग 85% जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 3 से 6 वर्ष के बीच 7-8 वर्ष तक के होता है। हम इस अवसर को भी हाथ में पकड़ करके रखना चाहते हैं, खेल खेल में उसकी प्रतिभा को कैसे करके समग्र तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, वहां से खेल के माध्यम से वो 3 वर्ष के बच्चे को लेकर के आगे 5 को भी हमने 3+2 में किया है। 3 वर्ष तो आंगनबाड़ी में रहेगा, मौज मस्ती के साथ रहेगा, लेकिन क्या देखना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है, अंदर से क्या उसको अभिव्यक्त करना चाहता है, उसी के साथ उसी के मन के अनुरूप इस तरीके से शिक्षा देंगे, इस तरीके का परिवेश देंगे। चाहता क्या है वो उसके अंदर क्या है, क्या है और कैसे करके उसकी सब प्रतिभा बाहर निखर करके आ सकती है और उसके बाद ये शिक्षा आगे जाती है। तो 6th में हम वोकेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा उसके साथ भी हम आज की शिक्षा केवल डिग्रीधारी को, वो डिग्री कौन से लाभ दे रहे हैं उसके जीवन में वो लोगों को पता ही नहीं है। और इसलिए अब 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन देंगे, लेकिन वो भी इंटर्नशिप के साथ देंगे। ये केवल अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान मात्र नहीं देना चाहते, उसको 50% तो अपने कक्षा में रहेगा। तो जो स्थानीय आधार पर जो उत्पाद हैं, मानो ये देश है, उदाहरण के लिए हमने अभी मातृभाषा की बात की, तो मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, ये सारी हमारी भारत के संविधान में हमारी 22 भारतीय भाषाएं, उन 22 भारतीय भाषाओं को और सशक्त करने का हम लोगों का प्लान है कि जो हमारे संविधान में खूबसूरत भाषाएं, ये केवल भाषाएं नहीं है, इनमें ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, व्यवहार है, आचार है, सदाचार है, परंपराएं हैं, ये तमाम जो है जो ज्ञान और विज्ञान और व्यवहार है वो सब उसमें समाया हुआ, उसकी संस्कृति समाई हुई है। इसलिए इन भाषाओं में कैसे करके उसकी शिक्षा शुरू हो सकती है, कोई राज्य चाहे तो ऊपर तक भी वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा को दे सकता है। लेकिन 6th से जो वोकेशनल एजुकेशन होगा उसमें 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक जाते जाते वो बच्चा ऐसे योद्धा के रूप में बाहर निकलेगा जब किसी के पैरों पर उसको खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, वो अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात है उसको मालूम है मेरे गांव के आसपास क्या है, मेरे प्रदेश में क्या है, मेरे क्षेत्र में क्या है, केस पर मैं शोध अनुसंधान और नवाचार करके उसको उभार सकता हूँ, उन समस्याओं का भी समाधान कर सकता हूँ, एक नई संभावनाओं को तलाश सकता हूँ। और ये इतना बड़ा देश है, 35 करोड़ लोगों का देश है, जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसलिए हम उसको वोकेशनल एजुकेशन भी दे रहे हैं और उसके स्कूली ही शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं,
जहां हम अभी तक आईआईटी में पढ़ाते थे, जाकर के बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता था, अब उसको स्कूली शिक्षा से देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद दुनिया का हिंदुस्तान पहला देश होगा जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा। इसी के आज हमारे पूरी दुनिया में लगभग 28 से 30 देशों में सीबीएसई के स्कूल चल रहे हैं, और पूरी दुनिया का हम पर दबाव है कि हमको भी सीबीएसई का स्कूल चाहिए, क्योंकि सीबीएसई से पंट करके निकलने वाला बच्चा हीरा होता है, हीरा। और मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति आई है, आप वो हीरे चमकेंगे जो सारी दुनिया में ऐसा प्रकाश देंगे जिससे दुनिया को सुख और शांति और समृद्धि भी प्राप्त होगी। और इसलिए हम ये एजुकेशन, आर्टिफिशियल एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अब बच्चे का एक सूत्रीय रिपोर्ट कार्ड भी नहीं होगा कि उसको केवल रिपोर्ट कार्ड हम दे रहे हैं, नहीं, अब तो रिपोर्ट कार्ड की बजाय उसका प्रोग्रेस कार्ड होगा, क्या प्रगति है, और उसका जो मूल्यांकन है 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा उसका। किस तरीके का मूल्यांकन होगा? अध्यापक तो मूल्यांकन करेंगे ही करेंगे, अभिभावक भी उसका मूल्यांकन करेगा। अभिभावक तो करेगा ही करेगा, वो स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेगा, स्वयं मूल्यांकन तो करेगा ही करेगा, उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, अध्यापक, अभिभावक, स्वयं और साथी। जब ये चार लोग उसका मूल्यांकन करेंगे तो बहुआयामी तरीके से प्रतिभा उसकी बहुत विकसित होगी, उसको संबंधों की अच्छी पहचान भी होगी, उसको मालूम है कि मेरा जो साथी बगल में बैठता है उसके साथ भी मेरे को अच्छे संबंध, जो दोस्त हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखने हैं, और मुझे उनकी अपनी प्रतिभा को उनको समय समय पर अवगत कराते रहना है, क्योंकि उन्होंने भी उसको नंबर देना है। वो आत्मविश्वास से भरा होगा, उसका व्यवहार भी विनम्र होगा, और वो अपनी प्रतिभा को उनको अपने घर पर अपने अध्यापक को स्वयं ही विश्लेषण भी करता रहेगा। ये 360 डिग्री का जो होलिस्टिक मूल्यांकन होगा वो उसको एक योद्धा के रूप में खड़ा करके और आत्मविश्वास के रूप में खड़ा करेगा। जहां स्कूली शिक्षा में हम लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, वहीं उच्च शिक्षा में भी बहुत व्यापक तरीके से परिवर्तन हमने किया है। कभी भी कोई जाए, कोई भी विषय ले सकता है, वो विज्ञान के साथ साहित्य ले सकता है, वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकता है, उसकी क्या इच्छा है। आज तक हम थोप रहे थे उस पर, नहीं नहीं, इस विषय के साथ यही विषय होना चाहिए, इस विषय के साथ यही विषय होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जिसमें उसकी रुचि है वो विषय उसका हो, जिसमें वो आगे जाना चाहता है पूरा मैदान खाली छोड़ दिया उसके लिए, और जब आना चाहते हो जब जाना चाहते हो इसके लिए भी मैदान खाली छोड़ दिया। वो अशांति का कारण जीवन मूल्यों की शिक्षा का अभाव है। हमने जो मानव है उसको मशीन बना दिया, मनुष्य बनाने की प्रक्रिया ही नहीं दी। हमारी ये जो शिक्षा नीति है ये मानव मूल्यों के आधार पर खड़ी होकर के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार की श्रेष्ठता को भी पाएगी। इसकी जड़ मानवीय मूल्य होंगे, और इसलिए हमने भारत केंद्रित बोला है इसको, लेकिन ये नेशनल भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इंपैक्टफुल भी होगी, इंटरैक्टिव भी होगी, इंक्लूसिव भी होगी, और ये एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी इसकी आधारशिला पर खड़ी होगी। ब्रिटेन के वहां के विदेश मंत्री जी जब यहाँ आए तो उनसे भी संवाद करने का मेरे आवास पर एक बैठक के दौरान उनसे संवाद करने का बहुत खुश थे। उन्होंने कहा ये शिक्षा नीति केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, फलक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व, तो ये जो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व और स्वायत्तता, इन तीनों का जो सम्मिश्रण है, इसको हम पूरी ताकत के साथ संस्थानों को भी स्वायत्तता देने के पक्षधर हैं, और इसलिए ये जो इस समय बेहतर प्रबंधन, प्रकाशन, संस्कृति का पोषण, सुधार, अनुसंधान के साथ और बहु आयामी विषयों के साथ ये नई शिक्षा नीति आई है। ये निश्चित रूप में हम बहुभाषावादी भी बनेंगे, हम आशावादी भी बनेंगे, ये विश्व स्तरीय कंटेंट भी होगा, इसमें विश्व स्तरीय पेटेंट भी होगा, हम रिफॉर्म भी करेंगे, परफॉर्म भी करेंगे, और हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे इस शिक्षा नीति के माध्यम से। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जो आज गोष्ठी रखी है, ये कई दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके इस सम्मान को मेरे पूरी दुनिया में फैले सभी प्रवासियों के चरणों में मैं समर्पित करूंगा इस सम्मान को जो आपने दिया है।
ताकि वो पूरी ताकत के साथ मेरे भारत को पूरे विश्व के उसी शिखर पर पहुंचा सकें जहां आज पूरी दुनिया छटपटा रही है, पूरी दुनिया को लगता है कि मानवता कहीं खो गई है। हम मानवता के साथ साथ ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, अनुसंधान में भी, नवाचार में भी, टेक्नोलॉजी में बहुत शिखर को चूमेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं CBSE के बच्चों आपको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आपकी हमने समय पर परीक्षाएं भी करवाई हैं, आपका वर्ष हमने खराब नहीं होने दिया। पूरी दुनिया के देशों ने अपने को एक एक साल पीछे कर दिया, लेकिन आपने लीडरशिप ली। मैं विशेष करके अपने बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने को भी सुरक्षित रखा, अपने घर में अपने माता पिता परिवार को भी लीडरशिप दी, उनको भी सुरक्षा दी, और अपने अगल बगल में भी मेरे इन CBSE के बच्चों ने बहुत बहुत लीडरशिप ली है पूरी देश में, दुनिया में। तो आपने आपका हमने आपने ऑनलाइन पर लाए हम आपको, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। 33 करोड़ एक साथ ऑनलाइन पर आज आप समझ सकते हैं, अभी कोई सोच नहीं सकता। जब बच्चे घरों में कैद हो गए हों और ऐसी परिस्थिति हो कि एक दिन दो दिन नहीं, दो एक सप्ताह दो सप्ताह नहीं बल्कि महीने हो गए हों और वो बाहर निकलने की स्थिति ना हो, ऐसे वक्त में हम ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन हम पाठ्यक्रम लाए, ऑनलाइन एजुकेशन हमने दी और 33 करोड़ छात्रों को एक साथ ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रोज नित नए घंटों में हम परिवर्तन करते थे। हर दिन हम आपके साथ जुड़े रहे, अभिभावक के साथ जुड़े, अध्यापक अभिभावक दोनों ने मिल करके एक साथ इस बच्चों को अवसाद में नहीं जाने दिया। पूरे विश्व में महामारी थी, आज भी हिंदुस्तान जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक के 35 करोड़ लोगों के देश में अंततोगत्वा आप देखेंगे तो मेरे छात्रों ने जिस तरीके से अपने को अनुशासित रख करके लीडरशिप ली है वो शायद दुनिया के इतिहास में अपने में अद्भुत होगा। इसलिए मैं अध्यापकों को भी, अपने सभी जो, और हिंदुस्तान की जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन आएगी, पूरी दुनिया में लाएगी, इससे पूरी दुनिया को हम जोड़ेंगे और फिर वो जो हमारी भावनाएं हैं दुनिया के लिए, जहां हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है और उस दुनिया के परिवार के लिए सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय की परिकल्पना करके हर मनुष्य को हम सुरक्षित चाहते, खुश चाहते हैं, हम चाहते हैं खुश रहे। हमने तो हमेशा कहा सेना भवतु सेनो भवतु सहवीर्यम करवावे तेजस्विनावधि तमस्तु महाविद विषामय, हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे, हम किसी को पीछे नहीं छूटने देंगे, हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन नई दुनिया बनाने से पहले हम भारत को सशक्त चाहते हैं ताकि उसकी सुगंध, उसका विचार पूरी दुनिया में फैले। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया, मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ और मेरा संदेश पूरे लोगों को भेजेगा, मेरा विनम्र अभिवादन भी सब लोगों को भेजेगा, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि आपको जब जब भी जो लोग मुझसे आज नहीं जुड़े, मेरा उनको प्रणाम भी कहिएगा, अभिनंदन भी करिए और उनको कहिए कि हिंदुस्तान नई करवट ले रहा है, पूरे विश्व में एक ऐसा महकने वाला राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है जिसको पूरी दुनिया बहुत अच्छी दृष्टि से देखेगी और हमें उस पर गर्व महसूस होगा। आप सबका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।